ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, आप वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप सिंपली वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, यार वीडियो में ना काफ़ी मेहनत लगी है इसको बनाने में, एंड उसमें थोड़ा ड्रो टूल का काम भी है। तो यार आप सभी को ना ड्रो टूल का जो स्टेप है ना, उसको ध्यान से देखना, क्योंकि यार उसमें ना मतलब कि आप लोगों से काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं। तो उसको ध्यान से देख लेना, उसको समझ लेना। बाकी तो यार मैं आपको वीडियो में अच्छे से समझाई दूँगा। चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को मैं बैकग्राउंड दे दूंगा। आप सभी को सिंपली इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, एंड उसके बाद पिक्सआर्ट में ओपन करके फिर आप सभी को जाना है ड्रो टूल के अंदर। ड्रो टूल में जाने के बाद गाइस, आप सभी को यहाँ पे करना है कि आप सभी को एक यहाँ पे ऐड फोटो में जाकर अपने पहले मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लेना आप सभी को सिंपली, ठीक है? तो यहाँ से मैं पहले मॉडल को ऐड कर लेता हूँ। एंड आप ऐड करने के बाद कुछ इस टाइप से आप सभी को यहाँ पे मॉडल को अपने सेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? तो आप चाहो तो गाइस जैसा पोज कर सकते हो, बाकी आप सभी को जैसा पोज कंफर्टेबल लगे आप वैसे कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने ये वाला मॉडल लिया अपने लिए। तो यहाँ पे क्या करूँगा, इसमें आप सभी को मैं इस मॉडल को पहले कुछ इस टाइप से यहाँ पे थोड़ा रोटेट करके अच्छे से लगा लेता हूँ, ठीक है? तो गाइस ये ना कि मतलब कि जो बबल है ना, ये थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा ऐसे टाइप का भी है यार, तो ना मॉडल को लगाने में थोड़ा आप सभी से भी थोड़ा मुश्किल लगेगा आप सभी को भी। तो आप कर लेना अच्छे से। तो आप सभी को करना है कि आप सभी को यहाँ पे एक लेयर बनानी है, एंड उसके बाद आप सभी को ना यहाँ पे प्रेस करके रखना है स्क्रीन के ऊपर। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ से जो है ब्लू कलर, इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को पहले तो इस लेयर को बंद कर लेनी है। फिर उसके बाद आप सभी को यहाँ ब्रश पर क्लिक कर देना है। ब्रश पर क्लिक कर देने के बाद आप सभी को फिर हार्ड ब्रश को क्लिक कर देना है, ठीक है? तो हार्ड ब्रश को ले लेंगे, एंड आप साइज़ को फुल कर देंगे, सेट कर देंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम पूरे स्क्रीन पे इसको फिल कर देंगे, एक बैकग्राउंड की तरह बना देंगे यहाँ पे हम पूरा, ठीक है? तो एक बैकग्राउंड की तरह पूरा बना देना है। फिर उसके बाद आप सभी को आगे करना है क्या, मैं आप सभी को बताता हूँ। आप सभी को यहाँ से फिर क्या करना है, आप सभी को जाना लेयर में। लेयर में जाने के बाद गाइस, आप सभी को पहले तो अपनी एक मॉडल की एक कॉपी बना, कॉपी लेयर कर देनी है। एंड उसके बाद जो बैकग्राउंड बना है इसकी एक कॉपी लेयर कर देनी, ठीक है? एंड उसके बाद आप सभी को करना है कि आप सभी को जो गाइस ये वाली लेयर है ब्लू वाली, इसको आप सभी को क्या करना है, आप सभी को जो सेकंड वाली ब्लू लेयर ऊपर वाली, इसको आप सभी को पहले यहाँ से मल्टीप्लाई करके देखना है, ठीक है? तो मल्टीप्लाई तो मैं कुछ हो नहीं रहा है, तो उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब इसको हम पहले नॉर्मल कर देंगे। एंड उसके बाद जो है इस लेयर को हम ले जाएंगे अपने मॉडल के नीचे, एंड मॉडल पर क्लिक करेंगे। एंड मॉडल को क्लिक कर देने के बाद इसका जो मल्टीप्लाई है, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे हम XOR, ठीक है? XOR कर देने के बाद आप सभी को थ्री डॉट पर क्लिक करके पहले इसको आपको मर्ज कर लेना है। फिर उसके बाद अगेन जाना, फिर उसके बाद आप सभी को फिर से इस लेयर को XOR कर देना। तो आप सभी के सामने कुछ ऐसी लेयर बन जाएगी। तो थ्री डॉट पर क्लिक करके आप सभी को फिर इस कॉपी लेयर को आपको कॉपी सेव कर लेनी है। एंड उसके बाद इन दोनों को सेव कर लेना, एंड बैकग्राउंड को सेव कर लेना, एंड अपने मॉडल को ईजिली ऐसे कैसे सेव कर लेना। एंड ये मैंने सेव क्यों करा आप सभी को बताता हूँ। तो पहले आप सभी को डिस्कार्ड कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को करना है, आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को जो मॉडल को सेव किया था आप सभी को कुछ इस टाइप से लगा लेना है। तो गाइस कुछ ये इस टाइप से सेट हो जाएगा, तो आप सभी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने आप सभी को वहाँ पर सेव करवाया था, ठीक है? तो ऐसा कर लेने के बाद आप सभी को अब यहाँ पे क्या करना है, पहले तो आप सभी को यहाँ से जाना है इरेजर टूल में। इरेजर टूल में जाने के बाद गाइस, पहले यहाँ पे मैं इसको इन्वर्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ से जो है इसकी हार्डनेस को प्रेस पर क्लिक करके इसकी हार्डनेस फुल करके कुछ इस टाइप से आप सभी को यहाँ पे अपने मॉडल को ऐसे पेंट करना है, ठीक है? तो ये ऐसे पेंट क्यों करना है, क्योंकि यार जो मतलब ये पानी की जो आगे की लाइन है ना, ये दिखनी, ये लगनी चाहिए कि हाँ हम पानी के अंदर है और ये पानी हमारे पानी के बाहर से हमने फोटो को शूट किया है, ठीक है? तो इस टाइप से ऐसा दिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम ऊपर से इसको पेंट कर लेते हैं जहाँ जहाँ पर हमें अपना मॉडल चाहिए, ठीक है? तो आप सभी को फिर नीचे की तरफ जो ये दो लाइन है जो आप सभी को बबल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो इसको आप सभी को इसके नीचे तक का पेंट करना है, ऊपर का भी यहाँ पे हम ले आते हैं। एंड इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से इरेजर टूल में जाना है, ठीक है? एंड इसकी हार्डनेस को कम करना है, साइज़ को थोड़ा बढ़ा के, ओपेसिटी को कम करके, एंड कुछ इस साइज से आप सभी को नीचे की तरफ इरेज कर देना है, ठीक है? कुछ इस तरीके से। एंड उसका थोड़ा सा पेंट कर लेता हूँ ऊपर की तरफ, थोड़ा ज़्यादा इरेज हो गया है। तो कुछ इस टाइप से इरेज कर लेना कि मतलब कि लगना चाहिए कि यार आप पानी के अंदर ही हो, ठीक है? तो बाकी तो आप मैं थोड़ा ऊपर की तरफ भी यहाँ से हल्का से इरेज करते हैं, ठीक है? तो यहाँ से ऐसे इरेज कर लेने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से कर देना डन, ठीक है? तो इतना डन कर देने के बाद आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को जाना फिर यहाँ से, पहले हम यहाँ पे ऐड फोटो में चलते हैं, ठीक है? ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को मैं एक पीएनजी दूंगा ये वाला, जो अभी हमने लेयर बनाई थी, ठीक है? तो ये वाला पीएनजी आप खुद बनाना, आप सभी को मैंने अभी बताया। तो आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, इसके जो ना इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना कुछ नहीं करना अभी, सबको आप सभी को इन्वर्ट में जाकर सिंपली आप सभी को रिजर टूल से कुछ इस टाइप से पेंट कर लेना नीचे नीचे के एरिया जो आपका पानी में, बस उतना ही, ठीक है? इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर यहाँ से डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है? एंड उसके बाद जो इसका अमाउंट जो है आप सभी को अराउंड 50 या 60 तक रख देना है, ठीक है? 50 तक भी सही रहेगा, अगर 60 तक भी कर दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? इतना कर देने के बाद आप सभी को अब देखो ये हमारा मॉडल लग रहा है पानी में। तो उसके बाद जाएंगे ऐड फोटो में, एंड उसके बाद हम यहाँ से एक ये वाला पीएनजी दे दूंगा मैं आप सभी को, ठीक है? तो आप सभी को ये पीएनजी ले लेना है। एंड इस पीएनजी को आप सभी को लगाना कैसे, तो मैं आप सभी को बताता हूँ। आप सभी को कुछ इस टाइप से इसको इस तरीके से रोटेट कर लेना है, एंड उसके बाद कुछ इस टाइप से आप सभी को यहाँ पे लगा देना है, ठीक है? कुछ इस टाइप से लगा देना है। एंड उसके बाद आप सभी को करना है, आप सभी को जाना है इरेजर टूल में, यहाँ से इन्वर्ट कर देने के बाद ब्रश के साइज़ को थोड़ा बढ़ा के, एंड कुछ इस टाइप से आप सभी को यहाँ पे पेंट कर देना है कि मतलब कि ये जो है आप पानी में जब गिरे हो तो आपके उसमें से वो स्प्लैश हुआ है पानी, ठीक है? तो इसको कुछ इस टाइप से लगा देना है। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे आप क्या करना है,
थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर साइज़ बड़ा कर लिया हमने, तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ पे फोटो सिंपली सेव कर देंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम जाएंगे ऐड फोटो में, एंड उसके बाद ये हम थोड़ा सा पानी का पार्टिकल्स जो है इसको हम ले लेंगे, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं, एंड उसके बाद जो आपसे कुछ इस टाइप से इसको रख देना है, ठीक है। कुछ इस टाइप से रख देने के बाद आपसे फिर जाना है टूल में, फिर इन्वर्ट कर देना है, फिर ब्रश को जाना है, एंड ब्रश में जाने के बाद आपको साइज सेम रखना है, एंड कुछ इस टाइप से थोड़ा थोड़ा पेंट करना है, जहाँ जहाँ पे मतलब कि स्प्लैश आए वहाँ पे आपसे को पेंट करना है। तो हमें ये दिखाना है कि हाँ हमारे पानी में जो है स्प्लैश हुआ है, हम पानी में जब गिरे हैं तो कुछ इस टाइप से जो बबल्स उड़े हैं, ठीक है। तो कुछ टाइप से आप सभी को दिख रहा होगा। तो उसके थोड़ी सी ओपेसिटी हम कम कर लेते हैं यहाँ पे, एंड ओपेसिटी कम कर देने के बाद यहाँ पे फोटो कम कर लेते हैं, डन। तो गाइस ठीक है, तो यहाँ पे इतना कर देने के बाद आप सभी को अब क्या करना है, आप सभी को सिंपली यहाँ पे फोटो कप कर लेना है सेव, एंड सेव कर देने के बाद आप सभी को यहाँ से सिंपली चलना बैक, एंड उसके बाद लाइट रूम ऐप को ओपन कर देना है। लाइट रूम ऐप को ओपन कर देने के बाद आप सभी को अब क्या करना है, आप सभी को यहाँ से ऐड फोटो में जाकर अपने फोटो को ऐड कर लेना है। एंड क्या, जब तक हमारी फोटो ऐड हो रही है यार, जब तक अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होता, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियो लाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिएगा सब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या यहाँ पे जो हमारा फोटो जो ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो आप क्या करना, आपको लाइट वाला ऑप्शन जाना है, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, ठीक है। एंड जो हाईलाइट्स है उसको कम कर देना है, शेडो को बढ़ा देना है, व्हाइट को थोड़ा सा कम कर देना है, ब्लैक को जो हल्का सा कम कर देना है। उसके बाद नीचे वाले टूल में कलर्स में, एंड उसके बाद वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, फिर जाना मिक्स में ऑरेंज कलर सेलेक्ट करें, उसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है, एंड ब्लू कलर में जाना, इसके ह्यू को माइनस कर देना है, सैचुरेशन को प्लस कर देना है, एंड उसके बाद यहाँ से डन कर देना है। एंड उसके बाद जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी है उसको इंक्रीज कर देंगे, फोटो में जो हल्का सा व्यूनेट डाल देना है, एंड जो नीचे स्क्रॉल करोगे तो ग्रेन अमाउंट दिखेगा, तो आप सभी उसको ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है। नीचे वाले टूल में शार्पनेस को बढ़ा देना है, नोज डिटेक्शन को बढ़ा देना है, एंड जो कलर नोज डिटेक्शन इसको भी बढ़ा देना है। गाइस तो यहाँ पे जो है हमारी फोटो परफेक्टली एडिट हो चुकी है। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, और अगर आप कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो गाइस अभी मैंने आप सभी के लिए दो ही वीडियो यहाँ पे रिकमेंडेड की है, अगर आपको इन दोनों में से जो वीडियो बेस्ट लगी उन दोनों पर क्लिक करो। ये वीडियो में काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए मेरे और काफ़ी अच्छी भी लगी है मेरे सब्सक्राइबर को। तो प्लीज़ यार आप भी इन वीडियो को चेकआउट करना, बाकी आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। चलिए गाइस मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।